थैंक यू. मैं उमेश जी, अविनाश जी, संजीव जी, शशि जी, निर्मल जी, राजू जी, पिंकी जी, अनीता जी, विजय जी, संजीव जी, विशाल जी, उमेश जी, विकास जी, सुनील जी, करण एंड ब्रॉय साहब, बाकी जिनके नाम मैं नहीं बोल पाया मुझे क्षमा कीजिए, और सभी बहनें और माताएं जो आई हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इस ओकेजन पे मुझे बुलाया. ये एक तरह का हमारे पुरखों का आशीर्वाद है कि सभी महाजन भाई यहाँ, बहनें यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज, और 130वीं जयंती मना रहे हैं हम उनकी. तो जो कुछ उनमें कुछ महान एक तरह से होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो आज आज भी हम उनके 52 ईयर्स आफ्टर हिज डिमाइस दैट वी आर स्टिल हियर टुगेदर और उनको याद कर रहे हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं. एज अ ग्रैंडसन मैं आज भी सोचता हूँ और मैं सम्हाउ ये कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि एक ही इंसान ने अपने लाइफ स्पैन में, अपने एक लाइफ टाइम में इतना कुछ करा अपने देश के लिए, जो कि एक 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 इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एक वन कैन कॉम्प्रिहेंड एट ऑल कि कैसे कर पाए. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लाहौर हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, डीएवी के प्रेसिडेंट 10 साल, पंजाब नेशनल बैंक के डायरेक्टर, रेड क्लिफ कमीशन के मेंबर, और म्यूटनी कमीशन, महाजन कमीशन और अन्य ऐसी कई कमेटीज़ के रहे. तो एक तरह से उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो आज हम सबको एक तरह से इस ओकेजन पे हमें इकट्ठा करती है और हमें याद करने में मजबूर करते हैं कि भाई हमें भी कुछ उनसे प्रेरणा मिले ताकि हम भी कुछ आगे बढ़े और अपने आने वाली जनरेशन्स को कुछ सिखाएं. मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू संदीप जी एंड हिज टीम दैट एवरी ईयर ही सेंड्स मी दिस डेट कि भाई आप इस पे आना, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ आऊँ. आज भी उन्होंने मेरे को एक बारी, मेरे ख्याल से 3 हफ्ते पहले आपने बताया था, तब मैं धर्मशाला में 23 तारीख को ही था, वो मनाने गए थे हम उनके अपने गांव में भडवार, जहां हम हर साल 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन मनाते हैं. काफ़ी हर्षोल्लास से स्कूल के बच्चे आते हैं, डीएवी के, हमारे वोकेशनल सेंटर जो फ्री ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है धर्मशाला और भडवार में, वहाँ की गर्ल्स आती हैं और वहाँ कल्चरल शो होता है, उसके बाद सारे विलेजर्स के लिए एक धाम होती है जो पहाड़ी धाम करते हैं हम, तो उनकी याद में काफ़ी बड़ा एक तरह से एक दिन होता है हमारे लिए कि जहाँ हमारी भी जो आने की जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, वो सब जाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम याद करते हैं, ताकि एक तरह से आगे वाली जनरेशन भी उन्हें याद करती रहें. मुझे आज बहुत बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ सारे बच्चे इकट्ठे हुए और उनको भी ये एक तरह से, जैसे पिंकी जी बता रही थी कि हम जब बच्चे थे हमें भी एक स्पीच याद करनी होती थी, तो ऐसे ही ये बच्चे भी याद करेंगे कि हमें भी किसी दिन यहाँ बुलाया था और स्टेज पे, और गरीबों को ब्लैंकेट दिए थे, और ये हम ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं. तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम आर फोर फादर्स एंड आई थैंक एवरीबडी. आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम बिकॉज आप सब ने अपना कीमती संडे लेके आप यहाँ बैठे हैं आज, और